डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अल्टरनेटिवस टू सोशल साइंस रिसर्च इन डेली लाइफ अगर हम बात करें uh, एक आम आदमी की तो वो जो नॉलेज एक्वायर करता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च बेस्ड नहीं होता या हम इसको यूँ कहें कि एक आम आदमी की जिंदगी में उसके जो फैसले होते हैं वो, वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो हर टाइम उनको रिसर्च की बेसिस पे करे तो वो उनको फिर कैसे करता है इन सोर्सेज को हम कहते हैं अल्टरनेटिवस टू सोशल साइंस रिसर्च तो आइए देखते हैं कि सोशल साइंस रिसर्च के अल्टरनेटिवस क्या हैं पहला अल्टरनेटिव पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस है दूसरा एक्सपर्ट एंड अथॉरिटीज़ की ओपिनियन है

हम पसे पर्दा हक़ के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते और हमें यही लगता है कि जो चीज़ हमारी आंखों के सामने हो गई है वही एक्चुअली द रियल थिंग है और हम उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखते हैं देते हैं जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हम जो है साइंटिफिक रिसर्च को उस तरीके से वैल्यू नहीं करते और हम कोशिश करते हैं कि हम वही रूटीन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और उसी की बेसिस पे ही अपने फ़ैसले करें रादर फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स इसकी अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो हम अगर हम देखें कि हमने कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या हमने अगर कैसे अपनी जीडीपी ग्रोथ बढ़ानी है या अगर हमने अपनी इनम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है तो वो कैसे करना है तो हमारे यहाँ जो उसके सॉल्यूशंस पेश किए कर दिए जाते हैं वो बड़े ही सब्जेक्टिव सॉल्यूशंस हैं हमने कभी भी अपनी इकॉनमी को साइंटिफिक रीजनिंग की बेसिस पे स्टडी नहीं किया हमने कभी ये बात नहीं की कि हमारे मुल्क की जो पापोलेशन इनक्रीज़ है वो कैसे रिसोर्स को डिप्लीट कर रही है कैसे जो मॉडर्न डे वर्ल्ड में जो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो काम हो रहा है हम उसमें कैसे आ, पीछे हैं हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स तैयार हो रहा है वो उस लेवल का नहीं है और कैसे हमारा जो है जो एक मेजॉरिटी ऑफ द पापुलेशन है वो टैक्स में जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता हम इन चीज़ों पे फोकस करने की बजाय हम जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं वो बड़े सब्जेक्टिव सॉल्यूशंस होते हैं और वो समझते हैं कि वही ठीक सॉल्यूशंस हैं जब आप पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे कोई भी डिसीजन करते हैं तो उसमें क्या मसाइल हो सकते हैं या उसमें क्या एरर्स आ सकते हैं पहला एरर जो उसमें आता है वो ओवर जनरलाइजेशन है आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आ, आ, ये समझते हैं कि तमाम लोगों को वैसा करना चाहिए फॉर इंस्टेंस अगर एक स्टूडेंट ने वन नाइट स्टडी की है सेमेस्टर सिस्टम में और उसके अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि तमाम स्टूडेंट्स वैसे ही आ, जो है अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना डे टू डे वर्क जो है और असाइनमेंट्स जो हैं वो करें मे भी वो जो एक स्टूडेंट है वो जो जो है ज़्यादा कंपिटेंट हो या उसका ऑलरेडी जो है उन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन जब हम पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन बड़ी सेलेक्टिव होती है ये आपके आइडियोलॉजिकल बिलीव्स आपके अपनी ओरिएंटेशन वर्ड्स लाइफ उसकी बेसिस पे होती है फॉर इंस्टेंस आप हमारे अगर सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे समझा जाता है कि जो है जो मेरिट पे चीज़ें नहीं होती आप शायद एक दो लोगों को जानते हों जिनकी जो मेरिट पे अपॉइंटमेंट ना हुई हो मगर ऐसा नहीं है किसी भी मुल्क में किसी भी माशरे में जो अगर हम उसका सेटअप देखें तो उसमें ज़्यादातर अपॉइंटमेंट्स मेरिट पे ही होती हैं प्री मेच्योर क्लोजर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कम जानते हैं मगर हम उनके ऊपर समझते हैं कि हम ही Uh, उसको बेहतर समझते हैं जैसे इकोनॉमी के ऊपर कोई एक इकोनॉमिस्ट ही बेहतर बता सकता है क्राइम रिलेटेड इश्यूज के ऊपर कोई एक क्रिमिनोलॉजिस्ट ही बेहतर राय दे सकता है मगर हम समझते हैं क्योंकि हमें थोड़ा बहुत इस चीज़ों के बारे में पता है तो हमारी राय जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है फॉल्स कॉन्सेंस हम बहुत uh, दफा ये होता है कि अपनी जो डे टू डे लाइफ में जो नतज अखस करते हैं वो जो है एक फ़ाल्स कंसेंसस होता है हम अपनी सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर उन नतज पे पहुंचते हैं ना कि फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर और हम बहुत सारी जो है अपनी लाइफ में जो चीज़ें कर रहे होते हैं वो फाल्स कंसेंसस की बेसिस पर ही कर रहे होते हैं